अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो है सर्दियों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन केसर वाला दूध बनेगा, केसर कुल्लड़ वाला दूध जिसे कहा जाता है वो, तो बहुत ही मज़ेदार। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई ली है, कोई भी बर्तन लें आप उसको क्या करें, अगर दूध वाला बर्तन ले रहे हो तो सही है, अगर कढ़ाई वगैरह ले रहे हो तो उसको क्या कीजिए, एक गिलास की जितना पानी डाल के उबाल लीजिए। उबालने के बाद पानी फेंक दीजिए और अच्छे से उसको पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद थोड़ा सा, बस 1/4 टीस्पून जितना घी लेके अच्छे से चौ तरफ कढ़ाई के हाथ से इस तरीके से ग्रीस जैसे करते हैं टिन को, ऐसे ही कढ़ाई को ग्रीस कर दीजिए, अच्छे से हाथ से लगा लीजिए घी को। लगाने के बाद इसमें दूध डाल देंगे। अब दूध जो है मैं यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क भैंस का दूध मलाई के साथ डाल दे रही हूँ, आधा लीटर से बस थोड़ा सा ज़्यादा होगा दूध, ये जितना मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ। दूध डाल दिया है और इसको पकाएंगे। अब ज़ाफ़रान एक चुटकी भर सैफ्रन डाल के रख दीजिए, चुटकी भर ज़ाफ़रान, और ये डालने के बाद इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के छोड़ दीजिए पकने के लिए। अच्छे से पकना चाहिए ये दूध, जितना कड़ेगा उतना स्वाद आएगा, उतना टेस्टी लगेगा, बहुत ही मज़ेदार और सौंदा एकदम बेहतरीन बनेगा, क्योंकि दूध जितना अच्छा पकता है उतना अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये दूध ही वैसा है, जितना कड़ेगा उतना मज़ा आएगा दूध में। तो इसको क्या करेंगे, कड़ने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो है पिस्ता बादाम मैं काट रही हूँ, आप इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर पर्सनली चॉप करके डालना पसंद करती हूँ। और जो है इसको क्या कीजिए, देखिए 10-12 मिनट के बाद, ये मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से हल्का हल्का कलर सैफ्रन का निकलना शुरू हो चुका है, और जितना ये कड़ेगा उतना अच्छा है। फ़ायदे तो बहुत है ही हैं, बट सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है इसको पीने से, टेस्ट वाइज भी अच्छा है और सेहत के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से चॉप कर लीजिएगा। अगर आप एक कप का भी बनाना चाह रहे हो तो एक कप के लिए पहले तो 1.5 कप जितना दूध डाल दीजिए और पकने के लिए छोड़ दीजिए। 1 कप जब तक रह जाए तब तक पकाइए। यहाँ पर अच्छे से पक चुका है, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर डालें, शुगर फ्री डालें, गुड़ डालें, वैसे तो गुड़ अच्छा नहीं लगता इसके साथ, बट आप शक्कर डालें या फिर फीका पी लीजिए, थोड़ी सी शक्कर का पिए या फिर फीका पी लीजिएगा। मैं 1/4 कप जितनी शक्कर इसमें डाल रही हूँ, और मीठा जो है अपने ऊपर है, मैं थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ इसमें। 1/4 कप जितनी मैंने शक्कर डाल दी, और ये आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था दूध, पक के आधा लीटर हो चुका है अब, तो इसको अच्छे से पकाएंगे। और घी डालने से क्या होता है, रबड़ी बनाए या फिर कोई भी चीज़ बनाए, घी डाल लगाने से, ग्रीस करने से नीचे लगता नहीं है दूध, इस वजह से लगाना ज़रूरी है। तो इस बीच मैंने इलायची वाला पाउडर भी डाल दिया, या फिर 2-3 इलायची आप मुँह खोल के भी डाल सकते हो। ये अच्छे से, और 7 मिनट पक चुका है शक्कर डालने के बाद, और इसके बाद डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट्स कटे हुए थे वो। ये डालने के बाद इसको गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा किस्म का ये हमारा केसर वाला दूध, ज़ाफ़रान वाला दूध जो है बनकर तैयार है। कम से कम इसको 20 से 25 मिनट ज़रूर पकाइएगा। और यहाँ पर मैं चूल्हा ऑफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि ये बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको सर्व कर देंगे कुल्हड़ में, और यहाँ पर है कुल्हड़, और इसको सर्व कर देते हैं। देखिए एकदम बेहतरीन मलाईदार हमारा कुल्हड़ वाला दूध, केसर वाला दूध जो है बनकर तैयार है, इसको सर्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो बना के ज़रूर खाइएगा, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी रेसिपी आपको, वीडियो कैसा लगा, और क्या देखना चाहते हो आगे वो भी। सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है ये, और ताकत तो देगा ही, और टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े का है, बना के ज़रूर पीजिएगा, और सुबह पिएँ, शाम में, रात में पिएँ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बना के ज़रूर पीजिएगा। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि वो भी बना के पी सके। और सर्दियों के हिसाब से तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ मौजूद है चैनल पर, वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट ही है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें पाए की रेसिपी भी है, हरीसा भी है, मटन हरीसा, और चिक्की है, और बर्फ़ी भी है खोपरे वाली,
काफ़ी सारी वीडियोस है, गुड़ वाली भी है और शक्कर वाली वीडियोस भी है, लड्डू वगैरह भी है, तो वो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा और बना के ज़रूर पीजिएगा इस सर्दियाँ, इंजॉय कीजिए। घी तो यहाँ पर आखिरी बात ये कि घी ज़रूर लगाया कीजिए बर्तन पर, कढ़ाई हो, बर्तन हो, कोई भी चीज़ हो, लगाया ज़रूर कीजिए, क्योंकि लगेगी नहीं। खीर बनाए, रबड़ी बनाए, कोई भी मीठी चीज़ बनाए। तो मिलते हैं इसी तरह की कोई अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बनाए खाएं, एंजॉय करें, अल्लाह हाफ़िज़।